बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोलते हुए शीश महल की सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। दरअसल उन्होंने केजरीवाल के सारे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जनता के सामने उनके सारे राज खोल दिए। देखिए इस वीडियो में कैसे आपके भ्रष्ट और करप्शन पर बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा ने उनकी जमकर क्लास लगाई है। इसे दुनिया के नक्शे में जहां भारत बना है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली केजरीवाल के नेतृत्व में ब्लैक स्पॉट बन गया है। इस ब्लैक स्पॉट को हमको बदलना है, ये तस्वीर बदलनी, और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोकपाल की यात्रा से आज लोभ और मालामाल होने की यात्रा पर चल पड़ी। डिप्टी सीएम जेल में एक बेल पर आधे कोर्ट जाना आना मिला हुआ, ये कहते थे हम ईमानदार होंगे। तुम्हारी ईमानदारी की तो दुनिया ने मिसाल देखी कि आजाद भारत में एक मुख्यमंत्री को साइन बोर्ड लेके चलना पड़ता है, मैं कट्टर ईमानदार हूं। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि नेता को साइन बोर्ड लेकर के चलना पड़े कि वह कट्टर ईमानदार है। यह स्थिति तुम्हारी हो गई। स्कूल, तुम बोलते हो शिक्षा, शिक्षा के प्रयोजन के सामने तो तुमने शराब की दुकान खोल दी। तुम बोलते हो अस्पताल, दवाखाना, अरे दवाखाना के बगल में तो तुमने शराब के ठेके खोल दिए। तुम बोलते हो कि विकास होगा, तुम बोलते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, आज शीश महल तुम्हारी चर्चा में। आप बताइए ब्लैक स्पॉट नहीं तो क्या है? एक डिप्टी सीएम जेल में है, बारंबार जाकर के अपील करे कि मुझे बेल दो, बेल दो, बेल दो, और कोर्ट बोले ना ना ना, और तुम बोले मैं कट्टर ईमानदार हूं, कानून तुमको राहत न दे। मैं इसलिए सारी बातें कह रहा हूं कि आप समझिए कि ये इस तरीके का नेतृत्व, ये दिल्ली के लिए भी एक शर्म की बात है कि इस तरीके के लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। जल बोर्ड निगम में घोटाला, ट्रांसपोर्ट में घोटाला, मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, स्कूल की बिल्डिंगों में घोटाला, कौन सी जगह बच गई थी घोटाला, शराब का घोटाला, एक पर एक घोटाला। मित्रों, ये सत्ता में आना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी सरकार दिल्ली में नहीं रहनी चाहिए, और इसके लिए प्रजातांत्रिक तरीके से हमको आगे लड़ाई लड़नी है, ये हमारे लिए विषय है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर हम लोगों ने इस बात को कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो उसको भी करने के लिए हम पूरी ताकत से लगे हैं। और आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 3024 घरों को जहां झुग्गी वहां मकान का काम शुरू हो गया है, और 376 झुग्गी झोपड़ी आइडेंटिफाई कर ली गई है जहां ये काम को हमने आगे बढ़ाना है और तेजी देनी है। यह भी मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली को केंद्र सरकार ने 300 इलेक्ट्रिक बसेस भी दी हैं, साथ ही साथ यहां 2014 के बाद दिल्ली में 2022 तक 190 किलोमीटर के मेट्रो रेल को आज 400 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का काम हमारी मोदी सरकार ने दिल्ली दिल्ली में किया। उसी तरीके से 135 नए स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जोड़े गए हैं, और विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। आप सब लोग जानते हैं रात को 9 बजे के पहले और सुबह 6 बजे से पहले कैसा धुआं होता था दिल्ली में, और सारी दुनिया की ट्रकें आकर के यहां पर खड़ी हो जाती थी, और सारी दुनिया के ट्रकों और ट्रकों का जो धुआं उड़ता था और पॉल्यूशन होता था वो भी आपने देखा। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो लगभग 135 किलोमीटर का पलवल से गाजियाबाद तक बना, 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में 136 किलोमीटर कुंडली से फरीदाबाद, 9,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। उसी तरीके से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड जो ट्रांजिट कॉरिडोर बना
वो भी 920 करोड़ की लागत से, वह भी जनता को समर्पित हुआ है। आज बदलती दिल्ली हम देख रहे हैं, द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेस वे 27 किलोमीटर की सड़क और ये लगभग 8662 किलोमीटर करोड़ रुपए खर्च करके बना है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये सारी आज बदलती भारत की तस्वीर और जिसका केंद्र दिल्ली है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और वह सब हम लोगों ने देखा। लेकिन जिस तरीके से भारत को दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है, अमेरिका का ग्रोथ रेट 1% समथिंग पहुंच गया, इनका इन्फ्लेशन रेट 10% से ज्यादा है,